हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल संजीव मिश्रा पर। फिनलैंड दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र के हैप्पी इंडेक्स में पहले नंबर का देश फिनलैंड है। इस देश के लोगों की बहुत सारी ऐसे बातें हैं जिनके बारे में जानकर ऐसा लगता है कि यहाँ के लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश लोग हैं। आइए जानते हैं इस खूबसूरत और खुश लोगों के देश के कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में। पूर्व में रसिया, उत्तर में नॉर्वे, दक्षिण में गल्फ ऑफ फिनलैंड, दक्षिण पश्चिम में गल्फ ऑफ बोथानिया और उत्तर पश्चिम में स्वीडन से घिरा हुआ फिनलैंड एक बेहद खूबसूरत देश है जिसका कुल क्षेत्रफल 3,38,424 वर्ग किलोमीटर का है। फिनलैंड आधिकारिक तौर पर फिनलैंड गणराज्य उत्तरी यूरोप में बाल्टिक सागर की सीमा पर स्थित एक देश है और यहाँ की आबादी करीब 55 लाख के करीब है। दोस्तों, फिनलैंड में मुख्य रूप से क्रिश्चियन 69.79%, अननोन 29.41% और बाकी के लोग अन्य धर्मों से बिलोंग करते हैं। फिनलैंड की आबादी महज 55 लाख है और यहाँ की आबादी दिन ब दिन घटती जा रही है, इसलिए प्रजनन दर बढ़ाने के प्रयास में सरकार बच्चे के माता पिता को बच्चा पैदा करने के लिए $10,000 का प्रोत्साहन देती है। दोस्तों, फिनलैंड का क्षेत्रफल ज्यादा और जनसंख्या कम है, इसकी वजह से प्रति वर्ग किलोमीटर में सिर्फ 18 आदमी ही रहते हैं। फिनलैंड यूरोप महाद्वीप का एक बहुत ही खूबसूरत देश है जिसे झीलों की भूमि, लैंड ऑफ 1,000 लेक्स के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों, फिनलैंड देश का साक्षरता दर 100% का है, यानी कि यहाँ के हर लोग लिखना और पढ़ना जानते हैं। फिनलैंड की गिनती दुनिया के विकसित देशों में की जाती है और यहाँ के लोगों का सारा जिम्मा सरकार उठाती है, जिसकी वजह से यहाँ के लोगों को बेरोजगारी, आर्थिक सुरक्षा, मेडिकल और खाने पीने जैसी समस्या नहीं होती। दोस्तों, फिनलैंड के लोगों को अपने कानून पर काफी ज्यादा भरोसा है और इसी वजह से यहाँ पर क्राइम रेट ना के बराबर है। फिनलैंड का मौसम बहुत ही सुहावना होता है और गर्मियों के मौसम में यहाँ पर रात के 12 बजे अंधेरा होता है। पूरी दुनिया में फिनलैंड ही एकमात्र ऐसा देश है जहाँ पर सबसे कम भ्रष्टाचार होता है। फिनलैंड, लातविया, एस्टोनिया, लिथुआनिया और पोलैंड ऐसे देश हैं जो प्रथम विश्व युद्ध के बाद स्वतंत्र राष्ट्रों के रूप में उभर के दुनिया के सामने आए थे। फिनलैंड में लगभग 10 से 9 प्लास्टिक की बोतल रिसाइकलिंग के लिए वापस लौटाई जाती है। दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि भूरे रंग का भालू फिनलैंड का राष्ट्रीय प्राणी है। फिनलैंड की सरकार एजुकेशन के पीछे काफी खर्चा करती है, इसी वजह से इस देश की शिक्षा प्रणाली पूरे दुनिया में सबसे बेहतर मानी जाती है। फिनलैंड के लोग बड़े पैमाने में शराब का सेवन करते हैं। फिनलैंड में एक और अजीब कानून है, यहाँ पर ज्यादा कमाई वालों को ट्रैफिक के नियम को भंग करने पर ज्यादा और कम कमाई वाले लोगों के लिए कम चालान काटा जाता है। दोस्तों, शुद्ध हवा के मामले में फिनलैंड दुनिया का तीसरे नंबर का देश है। दोस्तों, फिनलैंड में कुत्ते और बिल्लियों को दुकान में बेचना गैर कानूनी माना जाता है। फिनलैंड का पासपोर्ट बहुत ही मजबूत माना जाता है और इसकी मदद से दुनिया के ज्यादातर देश में बिना वीजा के घूम सकते हैं। दोस्तों, फिनलैंड से उत्तरी कोरिया जाने के लिए सिर्फ एक ही देश की सीमा को पार करना पड़ता है और वो देश है रशिया। पूरी दुनिया में फिनलैंड की जेल सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ की ज्यादातर जेल भारत के होटल से भी ज्यादा अच्छी होती है। फिनलैंड में बच्चों के 7 साल के बाद स्कूल में एडमिशन दिया जाता है। फिनलैंड में 17 साल से कम उम्र के बच्चों को फ्री शिक्षा और आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है। फिनलैंड में सूरज करीब 23 घंटों तक रहता है और वहीं कुछ क्षेत्र ऐसे भी हैं जहां पर करीब 50 दिन तक रात ही रहती है।
दोस्तों फिनलैंड की करेंसी का नाम फिनिश मरक्का है। फिलहाल एक फिनिश मरक्का की कीमत हमारे भारतवर्ष के 15.16 भारतीय रुपए के बराबर है। फिनलैंड की जीडीपी 29,730.19 करोड़ अमेरिकी डॉलर है, जबकि फिनलैंड की जीडीपी बहुत ही कम है। फिर भी ये दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जहां पर कोई भी इंसान बेघर नहीं है। दोस्तों फिनलैंड के लोग बहुत कम बीमार पड़ते हैं, यहाँ के लोग बहुत स्वस्थ हैं। पुरुषों का औसत जीवन 82 वर्ष और महिलाओं का जीवन 84 वर्ष का होता है। फिनलैंड में हर साल वाइफ कैरिंग नामक एक विश्व स्तरीय दौड़ प्रतियोगिता होती है, जिसमें पुरुषों को वास्तव में अपनी पत्नियों को अपनी पीठ पर उठाकर दौड़ पूरी करनी होती है और जीतने वाले विजेता को अपनी पत्नी के वजन के बराबर बियर भेंट की जाती है। दोस्तों फिनिश लोगों को कॉफी सबसे ज्यादा पसंद होती है और वे एक दिन में 3 से 4 कप कॉफी पी जाते हैं, जिससे उनके जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। तो दोस्तों इस वीडियो में मैंने आपको फिनलैंड देश के बारे में कुछ अमेजिंग और इंटरेस्टिंग फैक्ट्स के बारे में बताया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों और परिवारों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दें। दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार वीडियो देखने आए हैं और आगे भी इसी तरह के इन्फॉर्मेटिव वीडियोज देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दें, और अगर आपने अभी तक हमारे दूसरे यूट्यूब चैनल संजीव मिश्रा ब्लॉग्स को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट उस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि उस चैनल पर भी आपको काफी सारे इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव फैक्ट्स वाले वीडियो देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों अगली वीडियो आप किस शहर या किस जगह की देखना चाहते हैं वो भी आप हमें कॉमेंट करके बता सकते हैं। दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, कल फिर रहूंगा हाजिर एक नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, राधे राधे।